हाँ जी बच्चों, तो बच्चों आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 4 ट्राई कर लिया होगा, राइट? तो प्लीज अपने आंसर को मैच कीजिएगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये कर लेते हैं, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, राइट? बट हाँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले SQAO सीखा था, इस SQAO को मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, राइट? सो SQAO एक बार रिपीट कर लेते हैं, राइट? हमारा ये SQAO क्या है और ये कैसे फाइंड होता है, क्यों फाइंड होता है, दिस एंड ऑल, राइट? ये आप सॉल्यूशन कर लोगे, आप आंसर मैच कर सकते हो। बच्चों सुनेगा, बजटेड क्वांटिटी अगर 50 हो, राइट? ये क्या हो, बजटेड क्वांटिटी, ये रॉ मेटेरियल की क्वांटिटी हो। ये ऐसे समझ लो, मैं अभी आपको मिल्क वाला एग्जांपल दे रहा था। आप ये सोच रहे हैं कि आपका 1 किलोग्राम मिल्क लगेगा, तो इस केस में जो रॉ मेटेरियल है वो क्या हो गया, मिल्क, राइट? और जो आउटपुट है मिल्क से, वो आउटपुट क्या बन जाएगा, मैंने कहा टी। मैंने कहा आप जो है 1 किलोग्राम मिल्क से ये सोच रहे हो कि 20 कप चाय बना लेंगे, राइट? जबकि एक्चुअल क्वांटिटी आपने जो है सपोज करो 5 किलोग्राम यूज की, और आपने चाय भी जो बनाई वो कितनी बनाई, लेट अस से इट्स 200 कप्स। चाय कितनी बनाई, 200 कप। अब सर क्या आप इनको कंपेयर करके आप ये बोल सकते हो दैट योर वेरियंस इज 4 किलोग्राम? नो, क्योंकि आपका एस्टिमेशन जो था, आपका एस्टिमेशन 20 कप के लिए था, जबकि आपका एक्चुअल जो है वो 200 कप के लिए है। तो आप इस बजटेड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। प्राइस में कोई इशू नहीं है, प्राइस में इसलिए इशू नहीं है क्योंकि जो हम प्राइस कंसिडर करते हैं बजटेड प्राइस पर किलोग्राम, वो ऑलरेडी 1 किलोग्राम के लिए होता है, राइट? हमने कहा दूध, हमने सोचा था कि मिल्क जो है वो कितने रुपए किलोग्राम मिलेगा, 20 रुपए पर किलोग्राम। पर जो एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम हमें मिला वो कितना मिला, इट्स सपोज टू बी 22, राइट? तो नो डाउट हमने कहा 1 किलोग्राम की क्वांटिटी 20 में मिलनी थी, 22 में मिली, तो इस 2 रुपए के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, परचेज डिपार्टमेंट। तो परचेज डिपार्टमेंट को 2 रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा देंगे। और कौन सी क्वांटिटी के लिए, 1 किलोग्राम के लिए या फिर 5 किलोग्राम के लिए, 5 किलोग्राम के लिए, जितनी क्वांटिटी उसने एक्चुअल में परचेज मार्केट से किया है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, 1 किलोग्राम माइनस 5 किलोग्राम, 4 किलोग्राम के लिए, नो, बिकॉज 1 किलोग्राम जो है वो 20 के लिए है, 5 किलोग्राम के लिए हमारा 1 किलोग्राम की क्वांटिटी नहीं है। पर सर हम लोग एक काम करते हैं कि इस बजटेड क्वांटिटी जो हमने एस्टिमेट की थी 10 कप के लिए, हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर एक्चुअल कप 200 है तो हमारा एस्टिमेशन कितनी क्वांटिटी का है। हमने कहा बड़ा सिंपल सी बात है, दिस इज यूनिटरी मेथड, यूनिटरी, बचपन में सीखा था आपने, 5 पेन की कीमत 20 रुपए, बताओ 6 पेन की कीमत कितनी होगी। तो हम कहते थे 5 पेन की कीमत 20 रुपए, तो 1 पेन की कीमत 20/5, 20/5, 4 रुपए, राइट? 6 पेन की कीमत कितनी होगी, × 4, 24। सीखा था नहीं, सीखा था। तो सेम वी आर यूजिंग, हम लोग क्या कह रहे हैं दैट 4, हमने कहा 4 बजटेड आउटपुट ऑफ 20 कप्स बजटेड इनपुट। बच्चों ये जो क्वांटिटी है ये क्या चीज है, दिस इज बजटेड इनपुट, इनपुट समझ गए ना, जो रॉ मेटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट? तो हमारे 20 कप आउटपुट के लिए बजटेड क्वांटिटी ऑफ इनपुट कितना है, 1 किलोग्राम। एंड फॉर 1 कप, 1 कप के लिए आप क्या कह रहे थे कि आपकी जो क्वांटिटी यूज होगी वो कितनी होगी, 1/20। 20 कप के लिए 1 किलोग्राम दूध, तो 1 कप के लिए कितना, 1/20। और आपने जो है आउटपुट, और हमने कहा सर हमारा जो आउटपुट है एक्चुअल आउटपुट हमने कितना बनाया बच्चों, 200 कप। तो 200 के लिए कितनी क्वांटिटी का यूज होना चाहिए था, × 200, तो ये कितना हो गया, हाँ जी कितना हो गया, 10 ना। सो 10 किलोग्राम मिल्क हमारा एस्टिमेशन है। हम अगर ये सोच रहे हैं कि 1 किलोग्राम यूज करेंगे 20 के लिए, तो 200 के लिए कितना यूज करते, 10 किलोग्राम, जबकि एक्चुअल कितना यूज हुआ, 5। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं अगर सपोज करो एक्चुअल कितना यूज हुआ, 12, राइट? तो इसका मतलब है कि हमने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी ज्यादा यूज की, ओनली 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम तो हमारा एस्टिमेशन है, राइट? सो अब हम जो कंपेयर करेंगे वो
इस नंबर को कंपेयर नहीं करेंगे, अब हम किसको किससे कंपेयर करेंगे, अब हम करेंगे SQAO, स्टैंडर्ड प्राइस पर किलोग्राम, एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम, राइट। SQAO आपने निकाल दिया 10 kg, प्राइस कितना 20 रुपए का, एक्चुअल क्वांटिटी 12 kg, प्राइस कितना 22 रुपए का। नाउ वी विल कंपेयर दिस टू एंड विल फाइंड आउट द वेरियंसेस, राइट। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट, हम लोग SQAO कब फाइंड करेंगे, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट SQAO, वी विल फाइंड आउट द SQAO इन ऑल द सिचुएशंस व्हेन बजटेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट आर डिफरेंट। लिखेंगे वी विल फाइंड SQAO इन ऑल सिचुएशंस When actual output is not equal to, is not equal to what? Estimated, यानी कि budget output। अगर बच्चों budgeted output और actual output दोनों के दोनों same होते तो भी क्या हम SQAO find करते? No। In that situation there is no need to identify SQAO। इस सिचुएशन में तो जो आपके पास बजटेड क्वांटिटी है वही आपके पास, जो आपके पास बजटेड क्वांटिटी है वही आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करने के लिए यूज हो जाएगी, यस। अच्छा दूसरा पॉइंट, आपको जो ये SQAO फाइंड करना है, ये फाइंड करोगे कैसे, हाउ यू विल फाइंड आउट दिस, हमने कहा सर यूनिटरी मेथड। अब सर ये यूनिटरी मेथड के अंदर ना ये नंबर यूज करना होगा आपको, इसको हम लोग एक फॉर्मूले के फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग एक फॉर्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर्मूले के फॉर्मेट में, हम कहेंगे सर देखिए प्लीज हियर, वन वन क्या चीज था, बजटेड इनपुट क्वांटिटी, यस ना, ये वन क्या है, बजटेड इनपुट क्वांटिटी, राइट, अपॉन 20, ये 20 क्या है, कौन सा आउटपुट, बजटेड आउटपुट, हमने इसको डिवाइड कर दिया बेसिकली बजटेड आउटपुट से, राइट, मल्टीप्लाई बाय आपने जो है मल्टीप्लाई किससे किया, 200 से, 200 क्या चीज है, राइट, ये है एक्चुअल आउटपुट, मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको किससे, एक्चुअल आउटपुट से, यस। तो बच्चों बन गया आपके पास SQAO, दैट्स इट, यस ना। तो बच्चों हमने ये फॉर्मूला बना दिया कि SQAO कैसे निकालेंगे, बजटेड इनपुट अपॉन बजट आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। बच्चों एक्चुअली होता क्या है कि जब आप बजटेड इनपुट अपॉन बजट आउटपुट करते हो ना, ये नंबर बेसिकली कुछ, इसको हम कुछ नाम दे सकते हैं, बता सकते हो क्या नाम दे सकते हैं, बजटेड इनपुट क्वांटिटी अपॉन बजट आउटपुट, क्या नाम दे सकते हैं इसको हम लोग, दिस इज बेसिकली बजटेड इनपुट फॉर वन यूनिट ऑफ बजटेड आउटपुट। ये क्या चीज है, ये एक बजटेड आउटपुट के लिए हमारा इनपुट कितना यूज होना चाहिए, दैट इज द क्वांटिटी वी हैव, एक आउटपुट के लिए हमारा बजटेड इनपुट कितना होना चाहिए, और हमने कहा अगर एक आउटपुट के लिए इतना इनपुट होना चाहिए तो एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट कर दिया, दिस इज यूनिटरी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि 20 रुपए के 4 पेन, एक पेन कितने का, 20 रुपए के 4 पेन, एक पेन कितने का, 20 / 4, 5 रुपए का, राइट। तो ये क्या चीज है कि एक आउटपुट के लिए इनपुट क्वांटिटी कितनी चाहिए, मतलब ये एक की वैल्यू है, तो जितने भी की भी आउटपुट के लिए निकालनी है वैल्यू वो मल्टीप्लाई कर देना, राइट। तो बच्चों इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, SQAO, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, कोई डाउट इसमें, वेरी नाइस, आगे प्रोसीड करें, कॉपी कर लिया, वेरी नाइस।
तो बच्चों इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। देखो अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, बजटेड एंड एक्चुअल, फिर से दो तरह की इंफॉर्मेशन है, राइट। ब्लैक बजटेड एंड एक्चुअल, दो तरह की इंफॉर्मेशन है, बजटेड एंड एक्चुअल, राइट। अच्छा मैंने कहा चाय बनाना है, तो चाय जो है वो क्या, बस चाय का एक कप जो है वो क्या बन जाएगा, आउटपुट। और सर चाय बनाने के लिए जो आपको इनपुट चाहिए वो क्या सिर्फ दूध हो, दूध ही चाहिए? यू नीड मोर देन वन इनपुट, यू नीड मिल्क, यू नीड वाटर, यू नीड शुगर, यू नीड गैस, सो यू नीड फोर इनपुट बेसिकली। और क्या चाहिए? हम लोग रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल में तो लेबर नहीं आएगा, है ना। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि चाय बनाने के लिए सब कुछ क्या क्या चाहिए होता है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, चाय बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है, राइट। तो बच्चों हमने कहा कि ऐसा हो सकता है कि एक आउटपुट को बनाने के लिए जो आपको इनपुट चाहिए होते हैं वो सिर्फ एक ही नहीं चाहिए होंगे, वो एक से ज्यादा भी चाहिए हो सकते हैं। तो मैंने आपको ऐसे ही कहा, मैंने कहा सर यू मे नीड ए बी एंड सी, तीन रॉ मटेरियल, और इन सब की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी कि हमारा जो बजटेड है वो है 4 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, ऐसे कुछ लिख दिया। और साथ ही साथ ये बजटेड प्राइस भी दे दिया, प्राइस पर किलोग्राम दे दिया मैंने, इट्स 2018 एंड लेट अस से 15। ये मैं आपको अभी तक क्या क्या बता रहा हूँ, बजटेड, राइट। और फिर मैंने आपको एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन दी कि एक्चुअल में जो हमने क्वांटिटी यूज की वो यूज की बेसिकली 500 किलोग्राम, राइट। और इसके अलावा हमने यहाँ पर यूज किया 350 किलोग्राम, यहाँ पर यूज किया 190 किलोग्राम, और प्राइस पर किलोग्राम की बात करूं तो ये कौन सा प्राइस है, एक्चुअल। तो आपके पास जो एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम है ये हमें गिवन है, लेट अस से इट्स 22, इट्स 20 एंड इट्स 16, ऐसे कुछ ले लिया। और सो आउटपुट गिवन है, आउटपुट इसमें गिवन है 10 यूनिट्स का, और एक्चुअल आउटपुट गिवन है लेट अस से 90 यूनिट्स का, राइट। मतलब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर पहले वाले के कंपैरिजन में क्या चेंज आ रहा है कि आपके पास जो इनपुट रॉ मटेरियल्स हैं वो एक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा है। तो अगर आपके पास इनपुट रॉ मटेरियल एक से ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, दैट इज व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट, ठीक है, यस ना। तो बच्चों कैसे करेंगे, बच्चों मैंने कहा क्वेश्चन जैसा भी हो, क्वेश्चन छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, क्वेश्चन जैसा भी हो, आप हमेशा शुरुआत कैसे करना, पहले लिखना बजटेड क्वांटिटी, फिर लिखना बजटेड प्राइस पर किलोग्राम, राइट। उसके बाद लिखना एस क्यू ए ओ, फिर लिखना बजटेड प्राइस पर किलोग्राम, उसके बाद लिखना एक्चुअल क्वांटिटी, फिर लिखना एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम, राइट। और आप जो ये करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं, अब रॉ मटेरियल ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। बच्चों पहले जो वेरिएंसेस हम लोग फाइंड करते थे सिर्फ सिंगल रॉ मटेरियल के लिए, अब वो सब कुछ हम लोग सिंगल रॉ मटेरियल के लिए फाइंड नहीं करेंगे, सबके लिए फाइंड करेंगे, ए बी सी सबके लिए फाइंड करेंगे। आई थिंक क्लियर ना। सो ए बी सी यानी कि आपके पास जो ये क्वांटिटी है रॉ मटेरियल की वो है 4 किलोग्राम, 3 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम, राइट। प्राइस हमें गिवन है इट्स 2018 एंड 15। एक्चुअल क्वांटिटी में हमें गिवन है 500 किलोग्राम एंड वी हैव 350 किलोग्राम एंड वन मोर वी हैव 190 किलोग्राम। और प्राइजेज आपके पास कितने कितने रुपीस गिवन है, 22 रुपीस, 20 एंड रुपीस 16, राइट। और साथ ही साथ आपके पास ये आउटपुट भी गिवन है, और ये आउटपुट क्या क्या गिवन है, नंबर वन 10 यूनिट्स, और दूसरा वाला कितना है 90 यूनिट्स, राइट। वो जो पहला सवाल प्लीज ऊपर, क्या आप इस वाली कॉस्ट को, क्या आप इस कॉस्ट से कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों का आउटपुट सेम नहीं है। जब तक आउटपुट सेम नहीं होगा तब तक हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या करें, एक्चुअल को बजटेड आउटपुट में कन्वर्ट कर दें या बजटेड को एक्चुअल में? हम अपने एस्टिमेशन को चेंज करेंगे। ये जो सारा का सारा हमारा एस्टिमेशन का वो 10 आउटपुट के लिए था, हम अपना एस्टिमेशन जो करेंगे अब वो कितने आउटपुट के लिए करेंगे, 90 आउटपुट के लिए, राइट।
तो बच्चों हमें एस क्यू ए निकालना है, बच्चों एस क्यू ए निकालने के लिए हमेशा हमेशा आप एक वर्किंग नोट बना देना, ठीक है। तो आप एक छोटा सा वर्किंग नोट बना देना, मैंने कहा वर्किंग नोट नंबर वन, और आप इस वर्किंग नोट में क्या फाइंड कर रहे हो, एस क्यू ए फॉर ए बी एंड सी, राइट। तो बच्चों ये एस क्यू ए आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे फाइंड करोगे, आप कहोगे सर, आप कहोगे बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू, यस प्लीज एक्ट। बच्चों ये यूनिटरी मेथड ही है, हमने उस यूनिटरी मेथड को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। आप कहोगे नहीं सर, मैं तो वो लिख के दिखाऊंगी पूरा का पूरा नंबर, तो ठीक है वैसे करो, विल नॉट मैटर, राइट। आप वैसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट, बजटेड इनपुट कितना है, बजटेड इनपुट, बजटेड इनपुट एक, हम क्या करने जा रहे हैं, जो वर्किंग पहले आप एक सिंगल रॉ मटेरियल कर रहे थे ना, अब वो वर्किंग आप ए बी सी तीनों के लिए अलग अलग करने जा रहे हैं, राइट। तो बजटेड इनपुट रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी का आपके पास, 4 किलोग्राम। बजटेड आउटपुट आपके पास कितना है, 10 यूनिट्स। इनटू एक्चुअल आउटपुट आपके पास कितना है, 90। तो आप यहां पर कैलकुलेशन कर दीजिएगा, 36 क्या किलोग्राम। अब बी की बात करते हैं, बी आपके पास इनपुट कितना है, 3 kg। बजटेड आउटपुट कितना है, 10 यूनिट्स, और एक्चुअल आउटपुट कितना है, 90। कैलकुलेशन कर देंगे, 27 क्या किलोग्राम। एंड अगेन सी के लिए, सो 2 kg डिवाइड बाय 10 यूनिट्स एंड मल्टीप्लाई बाय 90, हाउ मच। तो बच्चों इस तरह से आपके पास एस क्यू एओ आ गया, है ना, आपको इसके आ गया एस क्यू एओ। अब जैसे ये एस क्यू एओ आ जाता है, मुझे थोड़ा सा बदलना होगा इसको, जो है ना आप 900 कर लो, मतलब क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट 900, क्योंकि नंबर जो है ना अभी भी बहुत छोटे हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सब में एक एक जीरो आ जाएगा, सो नंबर विल बी इजीली कंपेरेबल। आई थिंक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। हमने एक्चुअल आउटपुट को 90 की जगह पर क्या बना दिया, 900। क्वेश्चन में भी चेंज कर लो, हमने कहा क्वेश्चन में हमने एक्चुअल आउटपुट को 90 की जगह पर 900 बना दिया, कोई इशू। चलिए बच्चों एस क्यू एओ आ गया, बच्चों एस क्यू एओ लिखेगा 360 किलोग्राम, 270 किलोग्राम, और उसके बाद कितना, 180 किलोग्राम। प्राइस कितना है, 20, 18 and 15, राइट। अब बच्चों हम किस किस नंबर को कंपेयर करेंगे, एस क्यू एओ इंटू बजट प्राइस, एंड कंपेयर करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, राइट। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और सारे के सारे वेरियंसेस फाइंड करेंगे। सबसे पहला वेरियंस हम फाइंड करने जा रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल टू फॉर्मूला, बजटेड क्वांटिटी नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू बजटेड प्राइस पर किलोग्राम, राइट, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, अभी रुक जाओ, एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम। आई थिंक क्लियर। अच्छा तो बच्चों एस क्यू एओ बता दो ए के लिए, हाँ जी बता दीजिए, 360 किलोग्राम, बजट प्राइस बता दो बच्चों। चलो पहले ए बी सी के लिए लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 270 किलोग्राम, और सी के लिए कितना, 180 किलोग्राम। बजट प्राइस कितना, 20, 18 and 15, 20, 18 and 15। एक्चुअल क्वांटिटी बता दो बच्चों, एक्चुअल क्वांटिटी 500, 300 and 190, और एक्चुअल प्राइस कितना है, 22, 20, 16, राइट। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल किस 300 की जगह पर क्या है, 350, ओके 350। अच्छा बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, पहले सबको अलग अलग निकालेंगे, फाइंड कीजिएगा, सबसे पहला वाला आंसर कितना आता है, 2800, 3800, एडवर्स या फेवरेबल, एडवर्स। सेकंड वाला आंसर कितना आता है, 2140, एडवर्स फेवरेबल, एडवर्स। तीसरा वाला आंसर कितना आता है,
3, 4, 0 एडवर्ड्स, इन सबको प्लस कर दीजिएगा, 6, 2, 8, 0 क्या एडवर्ड्स, राइट। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। इसको हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरियंस। इट इज इक्वल टू बजटेड प्राइस पर किलोग्राम माइनस एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम एंड मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय कौन सी क्वांटिटी, कौन रिस्पॉन्सिबल प्राइस के लिए, परचेज डिपार्टमेंट। और परचेज डिपार्टमेंट कौन से क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्चुअल के लिए। तो मल्टीप्लाई विद कौन सी क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। एंड अगेन वी विल फाइंड आउट फॉर ए बी एंड सी। तो बच्चों बजटेड प्राइस क्वेश्चन से देखो, बजटेड प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस कितना है, 2022, इट्स 2022, राइट। बी के लिए 18 एंड 20, हाँ जी 18 एंड 20 एंड 15 एंड 16। और बच्चों एक्चुअल क्वांटिटी, सो दिस इज यू नो इट्स 500 350 190, राइट। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके पास पहला वाला नंबर कितना, एडवर्स फेवरेबल एडवर्स, उसके बाद 700 क्या एडवर्स, एंड देन 190 क्या एडवर्स, आप 1890 एडवर्स। तो उसके बाद है बच्चों डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरियंस। फॉर्मूला क्या होता है, एस क्यू ए माइनस एक्स्ट्रा, मतलब हमारी कितनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी उसमें से क्या माइनस कर दिया, एक्स्ट्रा क्वांटिटी। मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे, बजटेड प्राइस पर यूनिट। एंड ये भी फाइंड करेंगे ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, आई थिंक कर सकते हैं, यस ना, यस सर, प्लीज कंप्लीट दिस पोर्शन।